ना काटना ना पीसना, बस छीलो और बनाओ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू मटर की इतनी टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर बैचलर हैं या फिर आपको जल्दी है तो आप ये सब्जी ज़रूर ट्राई करिएगा, और यकीन मानिए इसका टेस्ट ना हलवाई की सब्जी को भी फेल कर देगा, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रेशर कुकर लेंगे क्योंकि सब्जी हमें जल्दी बनानी है, और तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। उसमें आधा छोटा चम्मच मैंने घी ले लिया, आप इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 एकदम छोटे साइज के प्याज लिए हैं, मीडियम साइज के प्याज हों तो 2 लीजिए। उसके बाद 2 टमाटर और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की डाल दी हैं। उसके बाद इसमें 1/4 चम्मच हम नमक डाल देंगे, और इसके बाद इसे ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर इसमें हम 1 सीटी आने देंगे। तो लो फ्लेम पर सीटी आने में 4 से 5 मिनट लगता है। तो यहाँ पर देखिए लो फ्लेम पर 1 सीटी आ गई, उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया था। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए प्याज टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो ये जो दाल वाला स्पैचुला होता है इसी से हम इस तरीके से, ये देख सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से इसे प्रेस करते हुए मैश कर देंगे तो ये बिल्कुल आपकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसे मैश कर देंगे तो बहुत ही अच्छी सी आपकी एक ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बिल्कुल अच्छे से ये मैश हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कुकर में आप चाहें तो धुल लें या फिर ऐसे ही 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल ले लेंगे। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप जो भी ऑयल खाते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। और मैं दिखा रही थी आपको कि देखिए तेल मैंने 1 बड़ा चम्मच ही लिया है। और उसके बाद हम जब जीरा क्रैक हो जाएगा तो जो हमने अभी ग्रेवी तैयार की थी उसे डाल देंगे, और ग्रेवी के डालते ही हम यहाँ पर मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर ये मीट मसाला था तो मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच मीट मसाला ले लिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मीट मसाला या किचन किंग मसाला या कोई इस तरीके एक मसाला है तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से ऑयल रिलीज होने तक पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। और फ्रेंड्स देख सकते हैं मसाले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, ये देखिए एकदम कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से मसाले ऑयल रिलीज कर रहे हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 बड़े साइज के आलूओं को, मैंने ये देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था, इन्हें डाल देंगे। इसे चला देंगे हम 30 सेकंड के लिए आलूओं को, मतलब 30 सेकंड के लिए आलू को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 100 ग्राम फ्रेश मटर लिए हैं, इन्हें डाल देंगे। इन्हें ऐड करके भी हम इन्हें 1 मिनट भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू और मटर को बिल्कुल अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुकर में पानी बहुत ही कम लगता है, तो आप भी बिल्कुल कम पानी ही ऐड करें। थोड़ा ग्रेवी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर कुकर में पानी कम ही लगता है क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस बहुत कम रहता है, 1-2 सीटी में ही ये पक जाएगा, तो इसलिए पानी कम लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास से भी कम का पानी का यूज़ किया है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी तक मैंने सब्ज़ी में नमक नहीं डाला था तो 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें 1/2 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर दी है, इन सारी चीज़ों को भी मिक्स कर दिया है। उसके बाद ढक्कन लगाकर हम इसे इसमें मीडियम फ्लेम पर हम 1 सीटी लगा लेंगे, अगर हाई फ्लेम पर लगा रहे हैं तो 2 सीटी लगा लीजिए। उसके बाद प्रेशर खुलने तक का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगा ली थी और प्रेशर खुलने तक का वेट किया है, और उसके बाद खोला तो आप देख सकते हैं सब्जी का कलर। थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे काट कर, और ये देखिए आपकी बिल्कुल टेस्टी सी आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।